प्रभारी मंत्री विजय कुमार कश्यप ने फीता काटकर वृहद गौ संरक्षण केंद्र ब्रह्माबाद का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गौ वंशों से होने वाले लाभ भी बताए। आपको बता दें कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत निर्मित वृहद गौशाला संरक्षण केंद्र का जनपद के प्रभारी मंत्री विजय कुमार कश्यप हसनपुर, विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी मंडी धनोरा, विधायक राजीव तरारा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि विधानसभा हसनपुर के गांव ब्रह्माबाद में पशुओं के संरक्षण हेतु लंबे समय से गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण का कार्य चल रहा था। कश्यप ने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसी भी दशा में गौवंश पशु आवारा ना घूमे और उनका संरक्षण सरकार के माध्यम से किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रदेश में युद्ध स्तर पर नागरीय गौशाला और ग्रामीण वृद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहे हैं, जिसमें गौवंश पशु की देखरेख एवं उनके खानपान की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन के द्वारा कराई जा रही है। इस दौरान प्रभारी मंत्री विजय कुमार कश्यप व क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने ओलावृष्टि से हुई फसलों का भी मौका मुआयना किया और किसानों को मदद कराने की बात कही। उद्घाटन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश चौधरी, महामंत्री अभिनव कौशिक, मंडी धनोरा विधायक राजीव तरारा, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह, उमेश मिश्र, डॉक्टर ब्रजवीर सिंह भी मौजूद रहे। अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। ब्रह्माबाद गांव में याद बनी है और पूरे प्रदेश में हर जिले में इसी तरह गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। बहुत बड़ा काम है। इतनी सारी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनके साथ साथ गौ माता को संरक्षित करने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता थी, लेकिन यह मन में इच्छा थी सरकार के ये काम होना चाहिए, तो उसके लिए भी रास्ता निकला, धन की व्यवस्था हुई और आज पूरे प्रदेश में बड़ी भारी संख्या में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अभी सीटो साहब ने बताया अपने जिले में भी 267 गौवंश जो निराश्रित थे उन्हें किसानों को दिया गया, उसके लिए 30 रुपये प्रति गाय सरकार खर्चा भी वहन करती है और पूरे प्रदेश में इसी प्रकार लाखों गौओं के संरक्षण के लिए किसानों को प्रेरित किया गया है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि हमारा सौभाग्य है ये गौशाला हमारे गांव में बनी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये गौशाला जिस उद्देश्य से सरकार ने बनवाई है उसका उद्देश्य पूरा हो और गौ माता की सेवा करने से हमेशा पुण्य प्राप्त होता है। हम सब लोग यहाँ कभी गाँव को पानी की या चारे की कमी नहीं रखने देंगे, ऐसा संकल्प हम यहाँ से लेकर जाएंगे। आज ब्रह्माबाद गांव में मुख्यमंत्री की योजना के साथ निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए वृहद गौशाला का उद्घाटन किया गया है। आसपास के खेतों में जो हमारे निराश्रित गौवंश घूम रहा था उसका संरक्षण हो और किसानों की फसल का नुकसान ना हो, तो ये बड़ी गौशाला यहाँ इस गाँव में इसका विधायक महेंद्र जी, विधायक तारा जी, एम साहब, सीजो साहब सभी के प्रयास से अच्छा काम शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ इसका बड़ा व्यापक लाभ हमें होगा और आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री जी जो विचार है जीरो बजट की खेती हम करें तो गोवंश के माध्यम से ही हम जिससे हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और जीरो बजट से हमें खेती में लाभ भी ज्यादा हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.